नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बठिंडा के जनता नगर में नशे की ओवरडोज की वजह से एक युवक की हुई मौत, शव की नहीं हो पाई पहचान। पठानकोट पुलिस ने अंतर्राज्यीय 3 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार, 5 किलो अफीम की बरामद। सुल्तानपुर लोधी कपूरथला रोड पर पड़ते गांव डडविंडी के पास हुआ एक भयानक सड़क हादसा, 12 लोग हुए घायल। और अब हलचल विस्तार से। बठिंडा के जनता नगर में नशे की ओवरडोज की वजह से एक नौजवान की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक सरकारी कमरे में एक नौजवान की लाश मिली थी, जिसके पास चिट्टे का इंजेक्शन भी मिला था। इस मौके पर समाज सेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने बताया कि एक नौजवान उनकी एम्बुलेंस के पास आया और बताया कि एक नौजवान नशे का इंजेक्शन लगाकर बेहोश हो गया है, लेकिन जब वे उसके पास पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरा नौजवान मौके से भाग गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना कैनाल की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने लाश को सिविल अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सर, इतने जनता नगर 7 नंबर गली को खड़े हैं। इतने दो नशेड़ी आए थे, एक सरदार मुंडा जिसकी डेथ हो चुकी है, एक उस नाल होर बंदा सी। इन्हों दोनों ने इतों पानी लैके मोहल्ले वाले दसण मुताबक टीका इंजैक्शन घोल के एक बंदे ने टीका ला लिया सरदार जी ने, जिन्हां दी डैथ हुई है। दूसरा बंदे ने जो देखा कि बेहोश हो गया तो वह भज के नहर वालू भज्या, 1 नंबर झील वालू, क्योंकि उत्थे एंबूलेंस खड़ी हुंदी अपनी, तो उत्थों मोटरसाइकिल खड़ा के वह तो साड़ी एंबूलेंस दे विच बैठ के फटाफट बंदियां नूं इत्थे लैके पहुंचे। तो इत्थे आउण तों बाद जो देखा तो उसकी डैथ हो चुकी थी, तो वह घबरा के बंदा इंजैक्शन उसके कोल सी फरार हो गया। तो डैड बॉडी जो कि अंदर पई है, मोहल्ले वाले ने दसण मुताबक एक लवारिस कमरा है वाटर बॉक्स का, जिते कि अक्सर ही मुंडे कुड़ियां आउंदे ने, मोहल्ले वाले बहुत परेशान ने, जां तां इसनूं ढाया जावे। इस संबंधी जगरूप सिंह गिल जी नूं भी ये मिल चुके ने, तो मोहल्ले वालों का लंघना इत्थों बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि नशेड़ी कदे हमला भी कर सकदे आ, कुछ भी कर सकदे। इन्हां दे दसण मुताबक तो इत्थे इंजैक्शन होर भी बहुत पए आ, लैटर पए आ। हांजी, फिलहाल तां जे इक वारी फोटो कीती असीं, उहनूं देखदे आ असीं की कुछ हैगा। उह सच इह 45 साल दी उम्र दा लग रिहा जी। नहीं, इह है तां मुल्लाधारी आपणा सरदार बंदा है, मुल्लाधारी नहीं है। ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਕਿਸਮ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी को पूरी तरह से खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत पठानकोट पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह खख ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 3 तस्कर मध्य प्रदेश से अफीम को पठानकोट ले जाने की कोशिश कर रहे थे और पठानकोट के सुंदर चक मोहर के पास अपने ग्राहक को बेचने जा रहे हैं, जिसके बाद सीआईए प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए पुलिस उपाधीक्षक रविंदर कुमार रूबी की देखरेख में सर्च अभियान के तहत तस्करों को काबू कर लिया, जिनकी तलाशी लेने के बाद उनसे 5 किलो अफीम बरामद की गई। वहीं पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुरदत्त सिंह उर्फ गीतू निवासी सुल्तानपुर लोधी, नरवैल सिंह और कश्मीर सिंह दोनों निवासी कपूरथला के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। ਸਾਡੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸ ਆਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।
सुल्तानपुर लोधी कपूरथला मार्ग पर पड़ते गांव डडविंडी के नज़दीक एक स्विफ्ट डिज़ायर कार और पिकअप टाटा 407 गाड़ी में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, तो वहीं इस हादसे के दौरान दोनों गाड़ियों में सवार 12 व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं घायलों को उपचार के लिए कपूरथला और सुल्तानपुर लोधी के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। यह हादसा इतना भयानक था कि दोनों गाड़ियों का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक किसी शोक सभा में शामिल होने के बाद टाटा 407 सुल्तानपुर लोधी से कपूरथला की तरफ जा रही थी, जिसमें लगभग 20 व्यक्ति सवार थे। जब ये गाड़ी गांव डडविंडी के पास पेट्रोल पंप के नज़दीक पहुंची, तो कपूरथला की तरफ से आ रही स्विफ्ट कार से टकरा गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना सुल्तानपुर की पुलिस मौके पर पहुँच गई और हादसे के कारणों की जाँच में जुट गई है। अज मैं समेत SI सुखदेव सिंह दे थाना सुल्तानपुर लोधी बतौर ड्यूटी अफसर हाजिर थाना सीगा, ते जिते मैनू इतलाह मिली भी डडविंडी रोड दे लागे एक बहुत भारी एक्सीडेंट होया वा, जिते असी फटाफट जिहड़ा वा मौके ते जाके देखिया ते सारी जिहड़ी सीगी ट्रैफिक नूं कंट्रोल कीता। कंट्रोल करन तों पहलां जिहड़े इंजर्ड सीगे उहनां चों कुछ इंजर्ड जिहड़े आ उह कपूरथले भेजे गए, ते दो इंजर्ड जिहड़े होर सीगे उहनां नूं सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी दाखिल करवाया गया। इन्हां 'च इक गड्डी टाटा 407 सीगी, एक डिजायर गड्डी सीगी, ते गड्डियां दा वैसे काफ़ी नुकसान होया, ते बंदियां दा ते चलो ठीक ही अजे। फिर उस तों बाद सिविल हॉस्पिटल सुल्तानपुर लोधी आ के पता कीता सीगा, जिथों डॉक्टर साहब ने दस्सिया भी एक दी हालात जिहड़े थोड़े सीरीयस आ, जिन्हों जिहड़ा डॉक्टर साहब ने किसी हायर हॉस्पिटल दा दाखिल करता। जालंधर में GST विभाग ने छापेमारी कर फर्जी फर्मे बनाकर टैक्स चोरी करने वाले 4 व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। विभाग ने जिन व्यापारियों को गिरफ्तार किया है उनमें पंकज कुमार उर्फ पंकज आनंद, रविंदर सिंह, गुरविंदर सिंह और अमृतपाल सिंह शामिल हैं। चारों ने फर्जी फर्मे बनाकर सरकार के खजाने को टैक्स के रूप में 48 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। इन चारों को जालंधर स्थित इनके घरों से काबू किया गया है। स्टेट GST विभाग ने स्थानीय पुलिस की मदद से इन्हें गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए IRS एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स पंजाब विराज एस तड़के ने बताया कि पकड़े गए आरोपी फर्जी फर्मे बनाकर टोपी घुमा रहे थे। फर्मों में इनपुट 0 था और बाहर बाहर से ही कंपनियों के नाम पर परचेजिंग दिखाकर GST डकार रहे थे। उन्होंने बताया कि चारों आरोपी जालंधर के रहने वाले हैं। इन्हें माननीय जज के सामने पेश कर अब न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज पंजाब स्टेट GST डिपार्टमेंट ने एक अरेस्ट ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। उसमें हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है और ये 4 लोगों के नाम हैं पंकज कुमार उर्फ पंकज आनंद, रविंदर सिंह, गुरविंदर सिंह, अमृतपाल सिंह, ऑल दीज आर रेसिडेंट्स ऑफ जालंधर। और ये लोग बोगस फॉर्मे फ्लोट करके बोगस ITC क्लेम कर रहे थे। देवर ओनली पासिंग इनवॉइसेस विदाउट एक्चुअल पासिंग ऑफ अ गुड एंड टोटल टैक्स फ्रॉड इन्वॉल्व इज अराउंड 48 करोड़। टुडे मॉर्निंग हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है और 4 लोगों को अरेस्ट करके वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट बिफोर कोर्ट एंड आफ्टर दैट दे मे सेंड टू द जुडिशियल कस्टडी। सर इसके बाद भी कोई और लंबी लिस्ट है ऐसे जो कर रहे हैं? इनसे इंक्वायरी करने के बाद जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो जो नाम सामने आएंगे, आगे कार्रवाई कितनी जाएगी। और सर इनकी जो अभी कोई प्रॉपर्टी अटैच या कुछ ऐसी चीजें जो हैं मौके पे वो की गई है या प्रॉपर्टी अटैच वगैरह ऐसी चीजें अब तो अभी तक तो नहीं की गई है, लेकिन अगर फ्यूचर में लोड पड़ती है रिकवरी के लिए तो वो की जा सकती है। और आपका ऐसे लोगों के लिए मैसेज क्या है, व्हाट वुड द मैसेज? देयर आर क्लियर डायरेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टैक्सेशन कमिश्नर and no tax theft will be allowed. अगर ऐसे कोई activities में कोई involved है तो उन्हें के खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी।
जालंधर शहर के ताजपुर चर्च के पास्टर बलजिंदर सिंह के घर में इनकम टैक्स की रेड हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ताजपुर स्थित चर्च पास्टर बलजिंदर सिंह का बताया जा रहा है, इस दौरान किसी को भी अंदर और बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, तो वहीं मौके पर सीआरपीएफ के सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जालंधर के साथ साथ अमृतसर, मोहाली, जीरकपुर में भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। गौरतलब रहे कि पुलिस ने बलजिंदर सिंह के खिलाफ 20 अप्रैल 2018 को बलात्कार का केस दर्ज किया था। पुलिस ने बलजिंदर सिंह सहित 7 लोगों पर ये केस दर्ज किया है, जिनमें पास्टर जतिंदर, पास्टर अकबर, पास्टर सतार अली, पास्टर सुच्चा सिंह, पास्टर राजेश और संदीप पहलवान शामिल हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खरड़ पुलिस ने 25 जनवरी को सनी एनक्लेव खरड़ में नाकाबंदी के दौरान एक नौजवान मनिंदर सिंह निवासी गांव नवा शहर बटाला को संदेह के आधार पर काबू कर उसके पास से 2 किलो तांबे की तारें बरामद की थी, जिसके बाद पुलिस ने थाना सिटी खरड़ में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ की तो उसने बताया कि वह अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उसके 2 साथियों जगमोहन सिंह उर्फ बोनी और अनिल कुमार उर्फ लाला को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने प्राथमिक पूछताछ में माना कि उन्होंने खरड़ इलाके में लगभग 15 घरों में चोरियों को अंजाम दिया है। आरोपियों के पास से 2 सोने के कड़े, 2 सोने की बालियां, 1 सोने का टीका, 2 सोने की चेन, 3 गैस सिलेंडर, 6 रोड कटर, 1 ग्राइंडर, 2 ड्रिल मशीन, 8 मोटरसाइकिल सहित अन्य कई सामान बरामद किया गया है। फिलहाल आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। सनी चौकी इंचार्ज अभिषेक ते एसएचओ सिटी खरड़ सब इंस्पेक्टर हरजिंदर, इन्होंने करके 3 चोर काबू किए ने, ते यह चोरों की जिहड़ी पुछगिछ तो सानू पता लगे कि इन्होंने ऑलमोस्ट 15 चोरियां यह ऑलरेडी मन चुके हैं, जिस से इन्होंने घर भी सोने की चोरी की है, जिमें कि तुम देख सकते हो जी रिकवरी इन्होंने हुई है, तो 3 मोटरसाइकिल, तांबा, सरिया, तो बाकी जोड़ा इन्होंने इक्विपमेंट यूज़ किया कटर्स वगैरह, तो वो सारी इन्होंने सूँ बरामद हुई। फौजदारी केसों में जिसको भी वकील की ज़रूरत होगी उसे लीगल एंड डिफेंस काउंसिल बठिंडा की ओर से निशुल्क वकील उपलब्ध करवाया जाएगा। राष्ट्रीय कानूनी सेवा अथॉरिटी नई दिल्ली की लीगल एंड डिफेंस काउंसिल स्कीम के तहत जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी की ओर से बठिंडा में लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय का उद्घाटन माननीय चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट रविशंकर झा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस मौके पर पैट्रन इन चीफ पंजाब राज्य के कानूनी सेवा अथॉरिटी एसएएस नगर द्वारा माननीय जज तेजिंदर सिंह ढींडसा, कार्यकारिणी चेयरमैन अरुण पल्ली, माननीय जज संजीव पेरी, सचिव अरुण गुप्ता की मौजूदगी में ये उद्घाटन किया गया। इस मौके पर माननीय सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी बठिंडा सुमित मल्होत्रा ने बताया कि लीगल एंड डिफेंस काउंसिल स्कीम का मुख्य उद्देश्य फौजदारी केसों में गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को निशुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाना है, जिसके चलते 6 वकीलों का पैनल तैनात किया गया है जो लोगों को इस सुविधा का लाभ देंगे। न्यूज साझा करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हुन लीगल एड डिफेंस सिस्टम आज तो असी बठिंडा विच भी इनॉगरेट होके हुन आपां इंप्लीमेंट करने दे वाली एक कदम चुके है। मैनू बड़ी आशा है कि इस स्कीम का लाभ बड़े सारे लोगों नू जड़ां तक जाएगा, जिदे च नाल एक्यूज़ नू भी फायदा होएगा हर स्टेज ते। साडी कचहरियां च पहला भी असी लीगल एड दिंदे आए हैं, लेकिन वो लीगल एड च थोड़ी जी कमी महसूस होंदी सी क्योंकि जिहड़े लॉयर्स असी जिन्हां नू अपॉइंट करीदा सीगा वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करदे होंदे सी, तो अपनी वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते सीगे ते लीगल एड का काम भी करते होंगे सीगे, लेकिन इस स्कीम च हुण असी की कीता है कि असी 6 वकील साहबां नू स्पेशली इसे काम लई ही अपॉइंट किया है, एंड दे विल बी ऑन द पे रोल्स,
ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ They will be performing only this duty. लाहौल स्पीति में जहां बीते दिनों जमकर बर्फबारी हुई जिस कारण पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है अगर जिला लाहौल स्पीति के काजा उपमंडल की बात करें तो यहां पर भी 2 फुट से अधिक बर्फबारी हुई है जिससे घाटी का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है लेकिन शिक्षा का जुनून बर्फबारी के बीच भी कम नहीं हुआ और बर्फबारी के बीच भी छात्राएं पैदल चलकर काजा स्कूल पहुंची सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में तैनात सहायक लोक संपर्क अधिकारी अजय बनियाल ने एक वीडियो अपनी प्रोफाइल पर साझा किया है जिसमें बर्फबारी के बीच भी छात्राएं पैदल स्कूल के लिए रवाना हो रही हैं काजा उपमंडल में छात्राओं के लिए एकमात्र सरकारी छात्रावास है जहां पर काजा उपमंडल के विभिन्न इलाकों में 60 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं ऐसे में बर्फबारी भी शिक्षा के प्रति बेटियों का जुनून कम नहीं कर पाई है गत दिनों हुई बर्फबारी के चलते जहां स्पीति घाटी में सभी सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है तो वहीं कई इलाकों में बिजली भी गुल है भारी बर्फबारी के बाद अब लोगों को पीने के पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है नाभा में पंजाब ड्राई क्लीनर्स एसोसिएशन के कार्यकारिणी की एक मीटिंग आयोजित की गई जिसमें एसोसिएशन के राज्य प्रधान बलविंदर सिंह आलूवालिया ने कहा कि जीएसएम लिफाफो माइक्रो और एमटीओ पेट्रोल पर 18% जीएसटी लगाया जाता है जिसके बारे में केंद्र सरकार को सोचकर जीएसटी घटाना चाहिए ताकि वे अपना कारोबार सही ढंग से कर सके उन्होंने कहा कि जीएसटी का दायरा 5% सरकार कम करे ताकि वे अपना कारोबार चला सके नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट मैं बलविंदर सिंह आलूवालिया प्रेसिडेंट पंजाब ड्रैगन एसोसिएशन आज असी नाभे दे विच पंजाब ड्रैगन एसोसिएशन की एग्जैक्टिव की मीटिंग कर रहे हैं जिदे विच पंजाब ते सारे शहरां दे विचों डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया साढ़े कुछ समा पहला सितंबर के पंजाब ड्रैगन एसोसिएशन की गोल्डन जुबली हुई सी जिदे बारे अज असी उहदी फीडबैक भी ली है तो उहदे बारे विचार भी ले है भी किस तरह की सी सारे मैंबर उस जो गोल्डन जुबली से उहदे तो बहुत खुश होए है तो अज असी इस मीटिंग दे विच जो साडी ट्रेड दे विच प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हां बारे भी डिस्कस किया है ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੇਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਰਿਤਨਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ जन्म दिवस के अवसर पर सारे गामा पा लिटिल चैंप के फर्स्ट रनर अप हर्ष सिकंदर को अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया इस मौके पर हर्ष एवं उनके पारिवारिक सदस्यों ने पंकज शर्मा का तहे दिल से आभार व्यक्त किया इस मौके पर हर्ष सिकंदर ने मां भगवती के भजनों का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया इस अवसर पर रितु शर्मा कालिका धाम ज्योतिष के उपाध्यक्ष पंडित गौरव शर्मा श्वेता शर्मा पूजा जोशी विशाल जोशी पारुल ऋषभ दलजीत कुमार सुनीता अंश वंश ट्विंकल चारू विशु ने हर्ष सिकंदर का धन्यवाद भी किया जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट बड़ी सोहनी लगदी है चुन्नी बिच दस की कमल दस ओ साची जोतो वाली माता सारे नो मेरा नाम
नाम रितु शर्मा। आज मेरी बेटी रितन्या शर्मा का जन्मदिन है, बर्थडे है। तो उस दौरान असी हर सिकंदर जी ने इनवाइट किया। इन्हां दे सारे परिवार ने साडे घर आके बहुत ही सारा आनंद, बहुत खुशी हुई है सानू सारयां नू देख के। इन्हां नाल मिल के बहुत ही डाउन टू अर्थ परसन है, बहुत ही डाउन टू अर्थ फैमिली है। हम साडी यही विश है ये सारे काम बाद जिदा इन्हां ने साडे पंजाब दा जलंधर दा नाम रोशन किया है, असीं विश करदे हां कि इदां ही अगे वधदा रहे। बाकी बच्चों नू भी यही है कि तुसीं देखो जो तुहाडा लाइफ टैलेंट है तुसीं उहनू बाहर जरूर लैके आओ, हार्डवर्क करो तो तुसीं जरूर अचीव करोगे। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, सभी को जय माता दी। मेरा नाम है हर्ष सिकंदर और आज पुनीत नगर में रितान्या के घर में आया हूँ, क्योंकि इन्हों का बर्थडे आज इन्होंने मुझे बुलाया और आज मुझे बहुत ही खुशी कि इन्हों का आज बर्थडे है। और मैं जो कि देवीतला मंदिर है वहाँ से मुझे कितना ही मतलब प्यार मिला, माता रानी का आशीर्वाद मिला और मैं देवीतला मंदिर की वजह से और मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। माता रानी में हमेशा मेरे पे आशीर्वाद रखा हुआ है और मैं माता रानी का बहुत ही थैंक यू करता हूँ कि आज मैं सारेगामा पा लिटिल चैंप्स में रनर अप सेकंड आया हूँ और आज मुझे बहुत खुशी। जय माता दी। श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर की ओर से श्री गुरु रविदास जी महाराज के 646वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 7वीं प्रभात फेरी प्रधान मदन लाल खिंदर की अध्यक्षता में निकाली गई। इस दौरान स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती देवी, कृष्णा देवी, रमा देवी, संतोष रानी, उषा रानी, सुमन लोच ने श्री गुरु रविदास जी महाराज की महिमा का गुणगान करते हुए इलाके की परिक्रमा की। ये प्रभात फेरी श्री राम शरण कॉलोनी सोसाइटी इलाका में जाकर संपन्न हुई, जहां इलाका निवासियों ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर एक विशाल लंगर भी लगाया गया। इस मौके पर समस्त सोसाइटी को श्री गुरु रविदास मंदिर कमेटी की ओर से सम्मानित भी किया गया। वहीं इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्य सतपाल पाला, स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल, राकेश लोच, प्रदीप थापा, पवन अत्री, चमनलाल पाठी, बलबीर लोच, रतनलाल पाठी, गुरदयाल, जंग बहादुर, लाडी अंगुराल, कमल डालिया सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। गुरु प्यारे सत्संग जी, अज की 7वीं प्रभात फेरी
सतगुरु रविदास महाराज जी के 646वें प्रकाश उत्सव के संबंध में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मल्ला विचों साडे गुरु घर के प्रधान मानयोग श्री मदन लाल खेंदर जी और पूरी इंतजामिया कमेटी प्रधान जी के आशीर्वाद सदका 7वीं प्रभात फेरी अज पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए राम शरण कलोनी जो कि राम श्री राम शरण सोसायटी इन्होंने साथियों ने बनाई है पूरी सोसायटी ने अज आई हुई प्रभात फेरी का मान सत्कार किया है और अपने सारी सोसायटी के सारे कार्यकर्ता जिमें नवा चक्कर पावगा तो मेरे ख्याल ज़्यादा टाइम लगे सारे सत्कारयोग साथी हो तुसी सारे ने प्रभात फेरी को अपने नगर के अपने गली के बुलाया है राम शरण सोसायटी और आई हुई प्रभात फेरी का मान सत्कार किया है पूड़िया छोले चाह का लंगर का आयोजन किया है अगर माया सेवा कराई है और इस हल्के दे तो अपने लेडी सेवाना ने खूब बाबा जी के जन्मदिन के उत्ते मेला कराइया हैं सो मैं अज के दिन के उत्ते सतगुरु रविदास महाराज के जन्मदिन के उत्ते सारे लख लख बधाई दिना नाल ही बेनती करता हाँ समूह सात संगत सारे इलाके कि 4 तरीक न पवित्र शोभा यात्रा निकल रही है सारे ने शोभा यात्रा के हिस्सा लेना है और 5 तरीक न महाराज जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है वो भी असी सारे ने शिकरत करनी है रल मिल के सर्व समाज ने असी महाराज जी का जन्मदिन मनाना है सो एक बार फिर सारे महाराज जी के जन्मदिन की लख लख बधाई लख लख बधाई सारे ने पहुंचना है रल मिल के असी महाराज जी का जन्मदिन अगे नालों भी ज़्यादा उत्साह के मनाना है। श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व को समर्पित हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रविदासिया धर्म प्रचार कमेटी ब्लॉक मकसूदा की ओर से इलाका निवासियों के सहयोग से बैंड बाजों की गूंज में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। ये नगर कीर्तन मकसूदा चौक से आरंभ होकर अलग अलग इलाकों की परिक्रमा कर वापस मकसूदा चौक में आकर संपन्न हुआ। इस दौरान फूलों से सजी पालकी के पीछे चलकर संगतों ने गुरबानी का कीर्तन कर अपनी हाजिरी लगाई तो वहीं संगतों ने जगह जगह लंगर लगाकर व पुष्प वर्षा कर इस नगर कीर्तन का स्वागत किया। इस मौके पर चेयरमैन करनैल बांगड़, प्रधान रमेश जस्सल, सचिव राजकुमार बसरा, मोहनलाल जस्सल, बसपा नेता बलविंदर कुमार, डॉक्टर सुखदेव राज मोहन माही, अशोक कुमार सुरेंद्र बब्बी, भगत राम आप नेता डॉक्टर गुरचरण सिंह, पार्षद देसराज जस्सल, पार्षद जगदीश समराय, आप नेता नीरज जस्सल, बाबा केवल सिंह, बाबा रमेश सिंह सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, धन धन सतगुरु रविदास महाराज के जन्म दिहाड़े दिया सब संगतों को देश विदेश दिया संगतों को बहुत बहुत बधाइया। धन धन सतगुरु रविदास महाराज के जन्म दिहाड़े दिया खुशियां अंदर मकसूदा ब्लॉक दिया सरबत संगत ने मिल के अज 646वें गुरपुरब दिया खुशियां नगर कीर्तन शोभा यात्रा कढ़ी है। सारिया संगत मिल के गुरु महाराज का जस गाउंदियां होईयां नगर नगर विच भ्रमण कर रही हैं। धन धन सतगुरु रविदास महाराज सारी एक संगत से मेहर भरिया हाथ रखते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। धन धन गुरु रविदास महाराज के प्रकाश दिहाड़े दियाँ देश विदेश दियाँ संगतों को बहुत बहुत बधाइया हो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जगत गुरु रविदास महाराज जी के 646वें प्रकाश दिहाड़े मुख रखते हुए रविदासिया धर्म प्रचार कमेटी ब्लाक मकसूदा वालों अज शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा विच बहुत ही सत्कार जो वक् वक् इलाकों के पतवंते व्यक्तियों वालों शिकरत की गई उपरंत नगर के विचों होंदे हुए अज शाम नू शोभा यात्रा की समापनी जो है वो मकसूदा चौक विखे होनी है। सतगुरु कृपा करन इस तरह हर साल की तरह जो इस तरह कृपा की है इस तरह संगतां ते सतगुरु रविदास जी कृपा करन एकी दा बल बख्शिश करन अते अज दे शुभ मौके ते सारियां देश विदेश दीआं संगतां नूं असी कोटान कोटान मुबारकबाद दिंदे हां। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज और 2 बार T20 विजेता खिलाड़ी क्रिस गेल जालंधर पहुंचे जहां उनका स्वागत विधायक शीतल अंग्रवाल द्वारा ढोल बजाकर और गुलदस्ता भेंट कर किया गया।
क्रिस गेल एक निजी कंपनी के शोरूम का उद्घाटन करने के लिए जालंधर आई थी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य में लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए खोले गए 500 आम आदमी क्लिनिकों की प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को बैट भी बांटे। गौरतलब रहे कि क्रिस गेल अपनी बढ़िया बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और वे स्पोर्ट्स के हब के तौर पर जाने जाते जिला जालंधर में पहुंचे थे। जालंधर से पंकज शर्मा की और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर। फिर बठिंडा के जनता नगर में नशे की ओवरडोज की वजह से एक युवक की हुई मौत, शव की नहीं हो पाई पहचान। पठानकोट पुलिस ने अंतर्राज्यीय 3 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार, 5 किलो अफीम की बरामद। सुल्तानपुर लोधी कपूरथला रोड पर पड़ते गांव डडविंडी के पास हुआ एक भयानक सड़क हादसा, 12 लोग हुए घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।